Lissajans pattern. What is Lissajans pattern? अगर हमें दो इनपुट वोल्टेज का फेज डिफरेंस मेजर करना है तो Lissajans pattern is another method to do so. इससे हमें सीआरओ में एक एक्स वाई नॉब होता है ऑन दी फ्रंट पैनल, इसको प्रेस करने के बाद हमें Lissajans pattern विजिबल होता है. Lissajans pattern में Y1 and Y2 point निकाल करके we can use them to find out the phase difference between the two applied signals. Suppose on CRO screen इस तरह का waveform हमें मिलता है after pressing XY button and after giving input to A and B channel. तो इस कर्व में, इस पैटर्न में हमें Y2 पहले निकालना होगा और Y1 हमें निकालना होगा. What is Y2 and what is Y1? अब Y2 is the peak, जो मैक्सिमम जहां तक ये कर्व गया है, that is my Y2. और y1 है जब ये कर्व y एक्सिस को कट कर रहा है, जैसे कि वो यहाँ पे कट कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज y1. फ्रॉम दिस रेफरेंस टू हियर इज y1, फ्रॉम दिस रेफरेंस टू द पीक इज y2. नाउ फेज डिफरेंस इज गिवन बाय साइन इनवर्स y1 अपॉन y2. Putting the values here and here, we can calculate the phase difference between the two signals. Suppose a circle is visible. इस तरह का pattern अगर हमें visible है, तो what will be y2? y2 will be this. That is the peak of the curve. y1 क्या है? y1 भी यही होगा क्योंकि यहीं पे वो y एक्सिस को कट कर रहा है. तो साइन इनवर्स y1 अपॉन y2 विल बी साइन इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो अगर एक सर्कल विजिबल है एज अ Lissajans pattern, दैट मीन्स दोनों ही सिग्नल में 90 डिग्री का डिफरेंस है. सपोज द कर्व विच इज सीन ऑन सीआरओ इज दिस, तो y2 विल बी दिस पॉइंट यहां से या थोड़ा सा और ऊपर से. y2 is from here to the reference and y1 will be this point, this point to the reference. Now phase difference will be 180 degree minus sine inverse y1 upon y2.